पलामू में बाल सुधार गृह में रहने वाले बच्चे कितने सुरक्षित हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज 14 घंटे के अंदर 4 नाबालिग बच्चे सुरक्षा व्यवस्था को अंगूठा दिखाते हुए फरार हो गए। बाल सुधार गृह में रह रहे 2 बच्चे सोमवार की देर रात करीब 1:30 बजे फरार हुए, जबकि रिमांड होम में रखे गए 2 नाबालिग मंगलवार को दिन दहाड़े भाग निकले। रिमांड होम से फरार होने वाले ये बच्चे तरहसी व चैनपुर के कंकारी के रहने वाले थे, जिन्हें यौन उत्पीड़न के मामले में रिमांड होम में रखा गया था। ये 4 बच्चे दीवार फांदकर भाग निकले। इस तरह नाबालिगों के फरार होने के बाद प्रशासनिक पदाधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। SDM राजेश शाह, SDPO के विजय शंकर व जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान ने रिमांड होम का निरीक्षण किया। बाल सुधार गृह से फरार होने वालों में एक 12 साल का नाबालिग साहिबगंज जिला का रहने वाला है। वह अपने पिता द्वारा पिटाई के बाद घर छोड़कर भाग निकला था और मेदिनीनगर आ गया था। 8 अप्रैल को GLA कॉलेज के पास मोबाइल चोरी करते हुए पकड़ा गया था। CWC ने 8 अप्रैल को ही बाल सुधार गृह को सौंपा था। यहां आने के बाद उसने एक बार भागने की नाकाम कोशिश की थी, लेकिन उसे पकड़ लिया गया था। वहीं दूसरा बच्चा 13 साल का है, जो गढ़वा जिले के रमुना का रहने वाला है। दोनों बच्चे बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में सुधार गृह के बाउंड्री से सटे पेड़ का सहारा उठाकर भागने में कामयाब निकले। हालांकि बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सुधार गृह में एक गार्ड भी तैनात किया गया है। सुधार गृह का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। रिमांड होम में 68 नाबालिग थे, जिसमें से 2 बच्चे फरार हो चुके हैं, जबकि बाल सुधार गृह में 19 बच्चे रखे गए थे।